नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। होलिका दहन में राशि के अनुसार क्या डालें, 12 राशि के 12 उपाय। दोस्तों, होलिका अच्छे योग में दहन होने जा रही है। अक्सर होली वाले दिन दहन के समय भद्रा होने से बड़ी मुहूर्त में परेशानी होती थी, परंतु इस बार ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इस बार भद्रा रहित ध्वज और गज केसरी योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग 10 मार्च तक रहेगा। इस योग में भवन, वाहन, सोना चांदी के आभूषण या कोई भी कीमती वस्तु का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस दिन त्रिपुष्कर योग के दिन कोई भी चीज़ की जाती है शुभ, वो 3 बार होती है, उसका 3 गुना फल उसको मिलता है। सिर्फ शादी ब्याह इस दिन नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि शादी ब्याह बार बार हो। इस बार होलिका दहन में राशि के अनुसार आहुति दे, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और ग्रह बाधा दूर हो जाए। मेष राशि के जातक होलिका दहन के समय 7 नग काली मिर्च उसार कर होलिका में अर्पण करें, स्वास्थ्य परेशानी दूर हो जाएगी। वृषभ राशि के लोग सफ़ेद चंदन का पासा होलिका में 3 फेरे लेकर डालें, उससे इनकी मानसिक चिंता दूर होगी। मिथुन राशि के जातक चने की दाल 100 ग्राम दहन में डालें, आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। कर्क राशि के लोग को 50 ग्राम सौंफ को होलिका में आहुति देनी चाहिए, इससे वाणी दोष दूर होगा और बिगड़े काम बनेंगे। सिंह राशि के जातकों को 250 ग्राम जौ को होलिका में अर्पण करने से किसी भी रोग से छुटकारा मिल जाएगा। कन्या राशि के जातकों को 3 नग जायफल और 3 नग काली मिर्चा होलिका दहन में डालनी चाहिए, इससे सभी संकटों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तुला राशि के लोगों को होलिका दहन के दिन काले तिल और 2 हल्दी की गांठ दहन में अर्पण करनी चाहिए, ऐसा करने से कार्य में सफलता और पदोन्नति होगी। होलिका दहन के दिन वृश्चिक राशि के लोग को 100 ग्राम पीली सरसों 3 बार उसार कर होलिका में आहुति देने से भाग्योदय होगा। धनु राशि के जातकों को 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम तिल दहन में डालने से संकट दूर होगा और सफलता मिलेगी। मकर राशि के लोगों को विधारा की जड़ और 5 हल्दी की गांठ दहन में अर्पण करने से शनि जी की 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को मूंग की दाल काले तिल के मिश्रण को होलिका में अर्पण करना चाहिए, इससे फिजूल खर्च से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि के लोगों को 50 ग्राम जीरा और 50 ग्राम नमक की आहुति होलिका में देने से धन लाभ होगा और तरक्की होगी। इसके अलावा धनु, मकर और कुंभ राशि के जातक जिन पर की 7.5 है, वे लोग दहन में गुड़ अवश्य चढ़ाएं, लाभ मिलेगा। वहीं मिथुन और तुला राशि के लोगों को ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए होली में लोबान की आहुति देने से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।